अब हम देखेंगे ट्रैक्टर के राइट हैंड साइड में कौन कौन से पार्ट्स लगे हैं। ये है, इसे बोलते हैं मफलर या साइलेंसर, जिससे जली हुई गैसेस बाहर निकलती है। ये है प्राइमरी एयर फिल्टर और इसके नीचे ऑयल बाथ एयर टाइप 3-स्टेज फिल्टर लगा हुआ है, जिससे छनी हुई हवा, शुद्ध हवा इंजन के अंदर जाती है। जैसे आप देख पा रहे होंगे ये रेडिएटर कवर है, इसे कॉलिंग्स बोलते हैं। ये जो है ये है हाइड्रोलिक पंप, जो हाइड्रोलिक को ऑयल को पहुंचाने का काम करती है। उसके नीचे आते हैं, जैसे पहले ही बताया था, ये है माउंटिंग ब्रैकेट। माउंटिंग ब्रैकेट के ऊपर इंजन माउंट होता है। बो टाइप एक्सेल, सिंगल ड्रॉप आर्म, उससे टायर रॉड कनेक्टेड होती है। ये फिल्टर दिख रहा है, ये है इंजन ऑयल फिल्टर या लुबी फिल्टर। ये है डिपस्टिक, जिससे हम इंजन ऑयल की मात्रा जान सकते हैं, कम है ज्यादा है। नीचे एक फिल्टर दिख रहा है, यह है हाइड्रोलिक फिल्टर। बैटरी केस, जिसके अंदर बैटरी लगती है, और बैटरी केस के ऊपर आपको एक प्लेट मिलेंगी, जिसके ऊपर ट्रैक्टर की पूरी आपको जानकारी मिलती है, जैसे ट्रैक्टर का मॉडल कौन सा है, चेसिस नंबर क्या है, इंजन सीरियल नंबर क्या है, ट्रैक्टर का पीटीओ पावर कितना है, ये भी यहाँ लिखा हुआ होता है, और किस साल में ये बना है, इसकी जानकारी आपको ट्रैक्टर बॉक्स के ऊपर मिल सकती है। ट्रैक्टर के ब्रेक पैडल, ट्रैक्टर में लेफ्ट साइड और राइट साइड के दोनों डिफरेंट ब्रेक पैडल होते हैं। जब भी हम खेत में काम करते हैं तो ब्रेक लैच को हम निकाल के काम करना होता है, और जब भी रोड पे चलेंगे तो दोनों ब्रेक एक साथ लगाने के लिए ब्रेक लैच को लगा देते हैं। ये है फुट पैडल एक्सीलेटर, ट्रैक्टर में पैर से चलने वाला एक्सीलेटर। ये फुट रेस्ट, पार्किंग लैंप इंडिकेटर, रियर टायर। इस ट्रैक्टर में 12-4-28 के टायर आते हैं, इसके ऊपर वाले मॉडल में 13-6-28 का आपको मिल सकते हैं। अब हम ट्रैक्टर के रियर साइड के बारे में बात करेंगे। ट्रैक्टर के रियर साइड में रियर एक्सल, जिसके ऊपर रियर टायर माउंट होते हैं, और जैसे आप देख रहे हो, ये है लिंकेज, 3 लिंकेज देखने को मिलेंगे आपको, लेफ्ट लिंक, राइट, और जैसे ऊपर जाएंगे ये है टॉप लिंक। लेफ्ट लिंक हमारी फिक्स रहती है, राइट लिंक यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, इसे बोलते हैं हम टर्न बकल। इसकी लंबाई जो है, ऊंचाई कम या ज्यादा हम कर सकते हैं, वैसे टॉप लिंक की भी जो लंबाई है कम या ज्यादा हम कर सकते हैं। ये है सेफ्टी चेन या चेक चेन, जब भी इम्प्लीमेंट लगता है तो टायर को ना लगे और इम्प्लीमेंट ज़्यादा स्लैक ना करे, इसलिए चेक चेंस लगाते हैं। यह है ट्रॉली हिच, एक डीसी प्लंजर सेंसर के बाद बेल क्रैंक। ये जो सीट है वो है एडजस्टेबल सीट, आप उसको आगे पीछे भी कर सकते हो, और वजन के हिसाब से ड्राइवर जो वजन होता है उसके हिसाब से भी आप उसको एडजस्ट कर सकते हो, ताकि वाइब्रेशन कम आए। ये टूल बॉक्स, इसमें कुछ टूल्स रख सकते हैं, जैसे कुछ हिच पिंस या स्पैनर। जैसे आप देखोगे ये हैंड ब्रेक या पार्किंग ब्रेक, जब भी ट्रैक्टर खड़ा होता है तब ब्रेक जो लेफ्ट और राइट ब्रेक है उसको आपको दबा के ये हैंड ब्रेक के ऊपर चढ़ा रहूंगा। ये ड्रॉबार, ये आर्म, ये देख पा रहे हो, ये पीटीओ कवर, इसके अंदर पीटीओ शाफ्ट है। यहाँ जो पीटीओ शाफ्ट है वो है 6 स्प्लाइन, 540 आरपीएम पे घूमने वाली है।